हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज श्रवण गोस्वामी एंड वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चर। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर क्लास 10 मैथ को पढ़ाइए, तो आज से क्लास 10 मैथ की क्लास जो आप लोगों का है वो स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपको मैथ की पूरी तैयारी करना है तो श्रवण लेक्चर चैनल से जुड़ जाओ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या चैप्टर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से ये आपका छोटा सा चैप्टर, लेकिन 5 मार्क्स का आपके बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप लोग वास्तविक संख्या चैप्टर को जरूर क्लियर कर लेना। देखो, मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपके 2 से 3 महीने में आपका पूरा मैथ जो है ना वो खत्म कर दूंगा, ठीक है। आप लोग अगर मैथ की पूरी तैयारी करना चाहते हो तो श्रवण लेक्चर चैनल से जुड़ जाओ, और आप लोगों को साथ में मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या। इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, सबसे पहले इसके लास्ट में जो जुड़ा हुआ है वो है संख्याएं। तो संख्याएं एक ही नहीं होती है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनको जानना जरूरी है। अगर आप संख्याओं के बारे में नहीं जानोगे तो आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्याओं के बारे में। तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहां आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा आसान है जो कि अभी आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहला चीज हम लोग समझने वाले हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं यानी कि जिन, यानी कि जिन्हें गिना जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, या फिर कह सकते हो जिन संख्याओं को गिना जा सकता है वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो जिनको गिना जा सकता है, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं प्राकृतिक संख्या, जैसे मैं आपको यहां एग्जाम्पल समझाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से समझना, जैसे यहां आप लोग समझो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा जिन संख्याओं को गिना जा सकता है या जिनको गिना जा सकता है, ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। तो देखो, जैसे आप लोगों का एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो, जैसे आपका 1 है, ठीक है, इसको n से डिनोट किया जाता है, n मतलब होता है, मतलब इसकी एक जैसे इसका प्रतीक है n, ठीक है। तो इसको आप लोग जैसे 1 है, 1 को गिना जा सकता है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, एंड 5 है, 6 है, ऐसे आप जहां तक गिन सकते हो, ठीक है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है, या फिर ऐसे आप 11, ऐसे आप जितना गिन सकते हो उसको आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया जिनको गिना जा सकता है, जैसे n से इसे डिनोट किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया आखिर हमारा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और उसका एग्जांपल अगर आपसे अब कोई पूछे तो आप बता दोगे कि नहीं बता दोगे, ठीक है। अब दूसरा हम लोग समझने वाले हैं बच्चा कि आपका पूर्ण संख्याएं क्या होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गया, तो पूर्ण संख्या तो आपका चुटकियों का काम है, एक मिनट में समझ में आ जाएगा कैसे, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, जैसे अगर आपको समझ में आ गया तो देखो, इनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो भी लगा होता है या जीरो भी होता है, मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके आगे जीरो लगा दो वो हमारा पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। जैसे अगर यहां आप लोग इसको आप डब्लू से, इसे डब्लू से प्रदर्शित करा जाता है, डब्लू इक्वल टू यानी कि एन के आगे, एन के आगे आप जीरो लगा दो, तो एन के आगे मैंने जीरो लगा दिया, दिस इज आपका पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। W आपको लगाना है, फिर प्लस आपको जीरो लगा देना है, ठीक है। फिर आपको वही, अब एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को यहां समझा देता हूं, यहां आप लोग एग्जांपल समझ लो, जैसे एग्जांपल में कुछ नहीं है, जब मैंने सीधा बता दिया तो इन सबके आगे जीरो लगा दो, जैसे अब आपको यहां लिख देना 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ऐसे आप लोग लेकर जा सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4 जीरो आगे लगा देना है, ठीक है, आप लोगों को आगे जीरो लगा देना है, यानी कि ये जो आपका प्राकृतिक संख्या है उसके आगे अगर आप जीरो लगा दोगे तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे की संख्याओं। तो अब हम लोग तीसरा नंबर जो संख्या देखने वाले हैं वो है पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा आसान है। देखो पूर्णांक संख्याओं में आपको क्या कहना है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप लोगों को अगर जो आपका पूर्ण
संख्याएं हैं उनमें आप माइनस यानी कि ऋणात्मक को भी संतुलित या फिर सम्मिलित कर लो, ठीक है, उनको भी आप शामिल कर लो तो वो हमारा पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब कैसे, देखो इसको हम लोग जेड से एग्जाम्पल में आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग समझ लो, एग्जाम्पल अच्छे से समझो, एग्जाम्पल से ही सारा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो आप लोग इसको क्या करोगे, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, जेड से आप लोग इसको डिनोट करते हैं। अब आप लोग क्या कहोगे कि आप लोगों का जैसे इधर माइनस लेना, जैसे मैंने यहां जीरो रख दिया, ठीक है, जीरो, एंड यहां मैंने क्या रखा, वन, ठीक है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ऋणात्मक को भी शामिल कर लेना है। जैसे आप लोगों का माइनस वन है, ठीक है, माइनस टू है, एंड माइनस थ्री है, माइनस फोर है, ऐसे आप लोगों को लास्ट तक ले जाना है, ठीक है। ये आप लोगों का जीरो बीच में रहेगा, इधर आपका धनात्मक संख्याएं रहेंगी और इधर आपका ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी, ठीक है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, यही हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को पूर्णांक संख्याएं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है हमारा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को समझने के लिए आप लोग सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन को समझ लो कि अभाज्य संख्या जो होती है एक और खुद की संख्याओं से कट जाती हैं। मतलब जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो एक से या फिर खुद की संख्या से कटती हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में, सारे बच्चों को पता होगा वो कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, तो वो एग्जाम्पल है हमारा, जैसे आप लोग एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो, जैसे आपका दो है, दो, ठीक है। अब आप लोग यहां समझो दो, अब आप लोग कहोगे सर दो कैसे है, तो दो जो है ना, ये दो जो है टू आप लोगों का खुद से यानी कि दो से ही कटता है या फिर एक, मतलब एक से कटता है, ठीक है। इसलिए हमारा अभाज्य संख्या है और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये याद रखना। अगर कहीं भी पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है तो आपको दो बताना है, ठीक है। फिर आप लोगों का थ्री भी है, ठीक है, एंड फाइव भी है, सेवन भी है, ठीक है। ये सब आप लोगों का क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर आपका अलेवन भी है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर नाइन है कि नहीं है, ठीक है, नाइन नहीं है, क्यों, क्योंकि नाइन खुद से भी कटता है और अपने मतलब एक से भी कट जाता है और थ्री से भी डिवाइड हो जाता है, तो हमारा टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, अलेवन, ऐसे आप और आगे तक ले जा सकते हो। तो ये हमारा हो गया कौन सी संख्या, आपका अभाज्य संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये दोनों संख्याएं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगली संख्या, तो आप लोगों को ये संख्या और ये यानी कि पूर्णांक संख्या और आपका अभाज्य संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे जो हमारी अगली संख्या है, ठीक है, अगली संख्या जो हम लोगों को समझना है वो कौन सा समझना है, ध्यान से देखना, अगला संख्या जो आप लोगों को समझना है वो देखो, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है, जो भाज्य संख्याएं, अभी तक हम लोगों ने अभाज्य संख्या समझा, अब भाज्य संख्याओं के बारे में समझने वाले हैं। भाज्य संख्या का मतलब है कि वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से, ठीक है, आपका पूर्णता विभाजित हो, वो आपका क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। मतलब कहता है कि यह संख्या, ठीक है, एक के अतिरिक्त आपका अन्य किसी, मतलब स्वयं से तो कटेगा ही और एक से भी कटेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाजित हो, वो हमारा क्या कहलाता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों का भाज्य संख्याओं का जो एग्जाम्पल होगा वो समझ लो, बहुत ही आसान है भाज्य संख्या, ठीक है। अब आप लोग बता सकते हो, देखो दो तो आपका अभाज्य संख्या है, तो अब आप लोगों का आया क्या, यानी कि फोर, फोर आपका क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि ये फोर से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और एक अतिरिक्त संख्या दो से भी कट जाएगा, या फिर आप देख सकते हो दो से मैंने भाग दिया यानी कि फोर में, तो यहां दो को दो बार ले जाओगे यानी कि फोर हो जाएगा, कट गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ना, किसी और संख्या से कट रहा है। आपका दो यानी कि सिक्स भी कटेगा, सभी को पता है दो से, एंड आपका एट भी कट जाएगा, नाइन, नाइन भी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नौ से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, थ्री से भी कटेगा, तो ऐसे आप लोग और सारा लिख सकते हो। तो ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। अब हम लोग देखेंगे सम संख्याओं के बारे में। सम संख्या तो बहुत ही ज्यादा आसान है, सभी को पता होगा कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णता विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम लोग सम संख्या कहते हैं। मतलब वे संख्याएं जो दो से पूर्णता विभाजित हो जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। एग्जांपल आप लोग जैसे लिख सकते हो दो, ठीक है, दो आप लोगों का मतलब दो से पूर्णता विभाजित है, ठीक है। चार लिख सकते हो, टू, फोर, सिक्स, एट, ठीक है, एंड टेन,
12, ऐसे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, बहुत सारा। तो ये क्या है कि ये दो से पूर्णता विभाजित है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सब दो से पूर्णता विभाजित है, तो वो हमारी सम संख्या कहलाती है, ठीक है, जो दो से पूर्णता विभाजित हो जाए। तो अब आप लोगों को यहां से भाज्य संख्या और सम संख्या बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान है। अब हम लोग देखेंगे अगला संख्या, ठीक है, अगली संख्या जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है, वो है आप लोगों का विषम संख्याएं और आप लोगों का परिमेय संख्या, ठीक है। विषम संख्याओं में क्या है, विषम संख्याओं में आप लोगों को पढ़ना है कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है, मतलब वे संख्याएं जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। तो विषम संख्या आप लोगों को समझ में आ गया कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। अब आप लोग एग्जांपल के रूप में समझ सकते हो, एग्जांपल तो बहुत ज्यादा आसान है, जैसे आप लोग क्या कह सकते हो, वन है, वन आप लोगों का मतलब दो से पूर्णता विभाजित के लिए नहीं है, आप लोगों का थ्री है ये भी नहीं है, ठीक है, आपका फाइव है, सेवन है, अलेवन है, ये सब आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो किसमें, आप लोगों का विषम संख्याओं में। सभी लोग नोट कर लेना जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये हमारा विषम संख्या की वे संख्याएं जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अब बात आती है बच्चों परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का मतलब है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, परिमेय संख्या इंपॉर्टेंट है। देखो उन्हें मतलब वे संख्याएं या फिर उन्हें जिन्हें p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू शून्य, कहने का मतलब है परिमेय संख्या को p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जो इसका हर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना आप लोगों का वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो यहां मैंने यही लिखा है जिन्हें p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है बट q इज नॉट इक्वल टू शून्य, यहां शून्य लिख देना, मतलब q जो हो जीरो के बराबर ना हो तो वो हमारा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल तो बताऊंगा ही, लेकिन आप लोगों को पहले समझ में ये आ गया ये चीज, ठीक है, p आप लोगों का p अपान q है और यहां q इज नॉट इक्वल टू शून्य, अगर आप a अपान b लिखोगे तो a अपान b भी लिख सकते हो बट यहां b इज नॉट इक्वल टू शून्य, देखो हर जो है शून्य के बराबर ना हो, ठीक है। अब समझो, जैसे अब आप लोग को मैं एग्जांपल बताता हूं, थोड़ा सा सटीक एग्जांपल, क्या 1/2 परिमेय संख्या है, है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1/2 आपकी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आप लोग दूसरा एग्जांपल समझो, ठीक है, दूसरा जैसे मैंने लिखा जीरो, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, जल्दी से बताओ जीरो एक परिमेय संख्या है, मैं आपको बताता हूं, देखो आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग समझना कि जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है, देखो जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं, देखो जीरो है, ठीक है, ध्यान से समझना, यहां मैंने लिख दिया जीरो, अब जीरो के नीचे मैंने एक लगा दिया, देखो अगर नीचे एक ना लगा हो तो मान लिया जाता है, तो 0/1 लिखा, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू शून्य, ठीक है, हर जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए हमारी ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है, याद रखना, ये आपका आसान सा है। तो यहां से आपको परिमेय संख्या पता चल गया, दो एग्जांपल्स भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगली संख्या के बारे में, लेकिन आप लोगों को यहां विषम संख्या और परिमेय संख्या बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम लोग देखेंगे जो हमारी अगली संख्या है, ठीक है, अगला संख्या आप लोगों को समझना है आप परिमेय संख्या, और फिर आप लोगों का जो मैथ का चैप्टर है उसमें एक यूक्लिड विभाजन परिमेय का है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग 9 नंबर है कि आपका अपरिमेय संख्या क्या है, जिन संख्याओं को p अपान q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब वे संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो हमारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, एग्जांपल आप लोग समझ लो, एग्जांपल जैसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और उसको मैं आपको पहले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो दिस इज एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, कहने का मतलब है जो हमारे ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं उनके ऊपर आप कर्ण लगा दो, मतलब आप क्या अंडर रूट लगा दो, वो हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये आप लोगों का अपरिमेय संख्या का एग्जांपल हो गया, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। अब आता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का,
इसके बारे में जानना जरूरी है अगर आपको चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में आपको क्या जानना है, सबसे पहले एक सूत्र जान लो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, कि जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों का जो सूत्र है भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, भाजक, ठीक है, गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, शेषफल, ये आप लोगों का है। लेकिन आप लोगों को ये सूत्र याद रखना है क्योंकि ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, बुक में तो आप लोगों को दूसरे टाइप से मिलेगा, लेकिन ये मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब आप लोग देखो, अब आप लोगों के बुक में कौन सा सूत्र लिखा होगा, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये सूत्र लिखा होगा ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ये सूत्र है आपका, ठीक है, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहां आप लोगों को ये सूत्र आपके बुक में मिल रहा होगा, जहां आप लोगों का ए जो है ना, ए वो आप लोगों का बड़ा है वी से, ए आपका बड़ा होगा बी से, ठीक है, मतलब ए जो है आपका ये चीज, ये आपका वी से बड़ा होगा, ये आप लोगों ने, आप लोगों के बुक में दिख रहा होगा। अब अगर आप लोगों को दिया हो लाइकेज, आप भाज्य ये सब कैसे पहचानोगे, जैसे यहां दो है और नौ से भाग देना है, तो आप लोगों का दो को चार बार ले जाओगे आपका बचेगा एक। अब आप लोग इसमें बताओ भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, पता है कि नहीं। जो सबसे बड़ी संख्या होती है इसमें नौ सबसे बड़ी है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा भाज्य। ध्यान से समझना थोड़ा सा, ये हमारा क्या हो जाएगा भाज्य, ठीक है। फिर आप लोग समझो ये हमारा भाज्य है। अब आप लोगों को ये जो आप लोग जिससे भाग दे रहे हो, ठीक है, ये हमारा क्या है भाज्य, और ये हमारा भाजक है, ठीक है, भाजक, और ये हमारा क्या है, ये हमारा भागफल है, क्या है भागफल, जो भाग देने पर जो हमें फल प्राप्त हुआ है, ये हमारा शेषफल है, ठीक है। अगर आप HCF निकालते हो तो शेषफल जब तक शून्य ना आ जाए तब तक आपका लगाते रहना है। तो इस मेथड पर ये चीज दिया गया है, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर आपका भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बस इतना ही समझना है। अब मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आप लोगों का रियल नंबर है, चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 1.1 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को फुल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और भी थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगा। तो यहां से हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी, लाइक आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ा दिया, ठीक है, आप लोगों को पूरी संख्या को मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब आप लोग देखो ध्यान से कि अब आप लोगों को क्या करना है, पूरा आप लोग जितना मैंने पढ़ाया है उन सबको नोट कर लेना, क्योंकि वास्तविक संख्या में ये सब चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि चैप्टर फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो हम लोग अब आपके जो एक्सरसाइज है, उदाहरण है, वो आप लोगों का अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो बनाता रहूं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।